सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तो क्या फैसला है आपका? मैं अपने कारोबार को जमानत के तौर पर पेश कर सकता हूं। तो फिर हम कागजी कार्रवाई शुरू करवाते हैं। पापा, उन्हें आप कुछ मत कहिएगा, और वैसे भी उन्होंने आलिया और हमसे वादा किया है कि वो ऐसा अब नहीं करेंगी। वो बस अपनी खोई हुई रकम वापस हासिल करना चाहती थी, इसके अलावा कोई और इरादा नहीं था। आप उन पर गुस्सा मत कीजिएगा। वो लोग ये चाहते हैं कि मैं उस्मान को मार दूं और उसे रास्ते से हटा दूं, उसके बाद ही उनका भरोसा जीत पाऊंगा मैं। मुझे ऐसा करना ही होगा ताकि मैं उन्हीं में शामिल होके उन्हें अंदर से तबाह कर सकूं। 12,60,00,000 मेरे कब्जे में आ जाएगी, और फिर मैं अब्दुल हमीद के हुक्म के मुताबिक उस तमाम रकम से बॉन्ड खरीद लूंगा। जनाब कसल, 12,60,00,000 के बॉन्ड खरीदेंगे। जबरदस्त, इस तरह तो हमारी साख बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्या किसी पर शक है आपको? जी शहजादे, मुझे हैदर पाशा अस्पताल में मामूर माहिर बेसम पर शक है। अगर बेसम साहब ने मुझसे पूछ लिया कि ये कागजात कहाँ से मिले, तो कह दीजिएगा सैलानिक में मौजूद हमारे साथियों से, जिनका आप नाम तक नहीं जानती। उस्मान, तुम सुन रहे हो मुझे? कमांडर। जनाब कसल, आप भी तैयारी कर लें। आपके खाते में रकम मुंतकिल होने के 2 दिन बाद ही नए बॉन्ड बाजार में जारी कर दिए जाएंगे, और वो बॉन्ड सबसे पहले आपको खरीदने होंगे। जी सुल्तान आजम। हम ये जानना चाहते हैं कि इस कागज पर मौजूद लिखाई बिदार सुल्तान की है क्या? हमने सालिया सुल्तान को महल बुलवाया क्योंकि हम उनकी बसीरत और शफकत से वाकिफ हैं, और उम्मीद है आप उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे ताकि सुल्तान मौसम को आपकी तरफ से कोई परेशानी ना हो। मेरे पास आपके मसले का हल भी मौजूद है। ये इश्तिहार अपने तुलबा को भी दीजिएगा और कहिएगा कि इसमें मौजूद खुफिया पैगाम गौर से पढ़ लें, और अगर यहाँ से बचना चाहते हैं तो मुकर्रर वक्त पर बंदरगाह पहुँच जाएं। इमसाल खात्मा, सच कह रही हैं कि बदकिस्मती से कसल जनाब तुबीनी को धोखा देकर कमाए हुए सरमाए से जापानियों की गैर मशरूत इमदाद कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई हुक्मनामा होता तो हमें खबर होती, लेकिन आप वही करें जो उसने कहा। ये लीजिए, उसूल के मुताबिक आपके पास उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने का अख्तियार है। बिल्कुल, ये दुरुस्त है।
आप सब आज बहुत खामोश हैं, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। हमें लगता है कि जैसे कोई मसला दरपेश है। बताइए ताकि मिलकर हल तलाश कर सकें। आप पहले ही रियासत के मसाइल की वजह से मसरूफ और परेशान रहते हैं सुल्ताने मौसम, इसीलिए हम आपको अंदरूनी खफीफ मसाइल की वजह से मजीद परेशान नहीं करना चाहते। खानदान इस चीज का नाम नहीं है मलिका सालिहा। अगर हम एक दूसरे से अपनी परेशानी और गम नहीं बांट सकते तो हमारा खाने की इस मेज पर मिल बैठना कोई मायने नहीं रखता। सालिया सुल्तान का मतलब था कि जो मसाइल खुद हल कर सकते हैं उनके लिए आपको परेशान नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ तमाम मसाइल हल हो जाते हैं और हालात बेहतर हो जाते हैं। रात के बाद उजाला हो जाता है, लेकिन हम मुश्किल में किससे मदद तलब करते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। हम अच्छी तरह जानते हैं सुल्ताने मुअज्जम कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमें यकीन है कि आप हर सूरत हमारी मदद करेंगे चाचा जान। और आप क्या कहती हैं बेटी फातिमा? ऐसा ही है चाचा जान, हमें इस बात पर कोई शक नहीं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप दोनों हमारे भाई की अमानत हैं, हमें बेटियों की तरह अजीज हैं, हम आपके सरपरस्त हैं। अगर आपको कोई परेशानी दरपेश हो तो हम भी अफसरदा होंगे। हम चाहते हैं कि अगर आपको किसी मुश्किल का सामना हो तो उसके हल के लिए आप फौरन हमारे पास आ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही होगा चाचा जान। ठीक है मलिका सालिहा, आज कहवा पीने का वक्त नहीं मिल सका, खाने के बाद हम आपके साथ कहवा पीना चाहेंगे। हमें खुशी होगी सुल्ताने मौसम। धुंध फैली हुई है नादर साहब, इसके छटने तक हमें महतात रहना होगा, इसी में फायदा है हमारा। जी जनाब कहिए। यानी आपकी अफसरदगी का सबब आपकी खादमा का जिंदान में होना है। हमें उनके जिंदान में होने से ज्यादा
इस बात का दुख है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सुल्तान मुअज़्ज़म, और हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। क्या आपको इस बात का यकीन है कि आपकी खादमा बेकसूर है? आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तहसीन पाशा पे है ना सुल्तान मुअज़्ज़म? बिल्कुल, तहसीन पाशा हमारे देरीना दोस्त हैं। तहसीन पाशा का जो आपकी जिंदगी में मकाम है, वही मकाम इमसाल खादमा का हमारी जिंदगी में है। हमें उनकी नेक नीयती, इखलास और ईमानदारी पर कोई शक नहीं है सुल्तान मुअज़्ज़म। कुछ अरसा पहले तहसीन पाशा पर भी इल्जाम लगा था, लेकिन शुक्र है कि वो बेकसूर साबित हुए। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मलिका, लेकिन फिर हकीकत आश्कार हो जाती है। अगर आपकी खादमा वाकई बेकसूर हैं, तो वो जरूर बरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम बजाते खुद इस मामले की तहकीक करेंगे और हकीकत क्या है इसे सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं मलिका, आपकी खादमा को जिंदान से निकालकर उन्हें कमरे में नजर बंद कर देते हैं, ताकि आपकी परेशानी कुछ कम हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। किसी को अस्पताल भेजा आपने? भेज दिया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई, मगर उन्होंने बात कर ली होगी। आप लोगों ने यह काम किसके सुपुर्द किया? फियादा। फियादा? जनाब करासू की बेटी। इस तरह बेसिम साहब को हम पर कतई शक नहीं होगा। आप उन अफसरान को रिहा करने के बाद इस कागज पर लिखे पते पर भेज दीजिएगा, वहां फियादा पहले से मौजूद होंगी। इंशाल्लाह नतीजा हमारी तवक्को के मुताबिक होगा। मैंने अहमद रजा साहब से बात की, उन्हें बेसिम साहब वाले मंसूबे के बारे में बताया और वाज़े कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने इजाजत भी दे दी है। अहमद रजा साहब की मंजूरी जरूरी थी, अच्छा हुआ। लेकिन मुझे एक बात मुसलसल परेशान कर रही है। क्या बात है बादशाह? शहजादा अहमद नूरी, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि तलबा वाले मामले की तहकीकात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कई सवालात किए, मैंने उनका शक दूर करने के लिए बेसिम साहब का नाम उन्हें बता दिया, बदकिस्मती से। मगर आप लोग बहुत मोहतात रहिएगा, शहजादे पहले भी हमारा मंसूबा तबाह कर चुके हैं। मुझे बुलाया गया है, लेकिन बुलावे के हवाले से कोई माकूल वजह नहीं बताई गई। कोई मसला है क्या? आप खुद एक मसला हैं। आपका यहां आना भी एक मसला है जनाब कसल। माफ कीजिएगा, लेकिन ये सब यहां आखिर किस हैसियत से मौजूद हैं? जनाब तुबीनी के नुमाइंदे की हैसियत से। वो बैंकर जिसे धोखा देकर आपने उसका सरमाया गसब किया है। तुबीनी ने आप पर संगीन इल्जामात लगाए हैं जनाब कसल, हमारे पास सबूत भी मौजूद है। सिपाहियों, देखें, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये ठीक नहीं है। हमें मालूम है कि आप जापानियों को इमदाद फराहम कर रहे हैं, और आपको उसकी सजा भुगतनी होगी। उस्मानी हुक्काम को खबर कर दो कि रूसी सफीर ने अपने सिफारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जनाब कसल को गिरफ्तार कर लिया है, बता दो उन्हें। आप गलत कर रहे हैं, मैं तो रियासत उस्मानिया के साथ काम कर रहा हूँ। सुल्तान को हर बात का इल्म है, आप चाहें तो महल खबर करके पूछ सकते हैं। और याद रखें, अब आप कोई कानूनी दस्तावेज दस्तखत नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं कर सकते, और न ही कोई कारोबार कर सकते हैं।
फौरन गिरफ्तार कर लो इनको। आप गलत कर रहे हैं, ये शख्स सरासर झूठ बोल रहा है। छोड़ दो मुझे। सुल्तान मौज़्ज़म, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमें बेचैनी हो रही है पाशा। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। हमारे पास जो रकम थी, अब उसका इख्तियार जनाब कसल के पास है। इंशाल्लाह सब खैरियत होगी सुल्तान मौज़्ज़म, फिक्र ना करें। चलें देखते हैं क्या हुआ पाशा। सुल्तान मौज़्ज़म, जनाब कसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे, किसने गिरफ्तार किया? रूफी सफीर ने सुल्तान मौज़्ज़म। मगर क्यों? अपने सिफारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। अब हम क्या करेंगे सुल्तान मौज़्ज़म? अगर जनाब कसल रिहा ना हो सके तो हमारा सारा मंसूबा तबाह हो जाएगा। रूसी सफीर को फौरन महल बुलाइए। जो आपको हुक्म सुल्तान मौज़्ज़म। दरवाजा खोलिए। उसे लगा था कि वो मौत से बच जाएगा, मगर मौत खुद उसके पीछे चली आई। हमारे दरमियान खुशामदीद। आप जनाजे में जाएं, अशरफ को हौसला दें, उसके बाद ठिकाने पर आ जाइएगा। कैदियों को खाना दे दिया? दे दिया है पाशा। पाशा, ये आपके लिए आया है। जवानों, एक अहम खबर मौसूल हुई है। हमें जल्द कोई कदम उठाना होगा, इसलिए फौरन आप सब महल के पिछले सहन में तरतीब से खड़े हो जाएं और जाने से पहले
जिंदान के दरवाजे लाजमी बंद करके जाएं। फौरन जाइए। तरफ से जाएंगे। राहदारी के आखिर में जंगल में से गुजरने का एक खुफिया रास्ता है, उसके बाद इस पते पर चले जाइएगा। समझ गए? जाएं। आपने हमारे दोस्त जनाब कसल को गिरफ्तार कर लिया है। हमने अपने सिफारती इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। वजह? एक यूरोपी ताजिर तुबीनी ने अपने नुमाइंदे को हमारे पास भेजा। उस नुमाइंदे ने हमें बताया कि कसल साहब ने तुबीनी साहब के साथ कारोबार में धोखादही करके उनका सरमाया हथिया लिया है और अब वो सरमाए से जापानियों की इमदाद कर रहे हैं। हमारे पास हर चीज का सबूत मौजूद है। कसल साहब बरतानवी शहरी हैं और तुबीनी फ्रांसीसी, इसीलिए यह मुकदमा रूसी सिफारतखाने में चलेगा। सफीर साहब, हम जनाब कसल के साथ एक अहम काम कर रहे हैं, उन्हें फौरन रिहा कर दीजिए और मुकदमा कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दीजिए। माफ कीजिएगा, हमें उनके फरार होने का खदशा है, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। ठीक है। देखा आपने तहसीन पाशा, इन लोगों ने हमारे हाथ पांव बांध के रख दिए हैं अपनी घिनौनी साजिशों के जरिए। अब हम क्या करेंगे सुल्ताने मौसम? उस नुमाइंदे को ढूंढिए और वजीर आजम से कहिए कि उससे खुद तफ्तीश करें। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई। मेरी प्यारी खाला जान, आपने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। हम सब आपको देखकर परेशान हो रहे हैं। पहले खुद तुमने मेरी बहन के खिलाफ साजिश की और अब कह रही हो खाला जान ऐसा ना करें, हम परेशान हो रहे हैं। मेरी बहन की यह हालत तुम्हारी वजह से है, जरा देखो तो इन्हें, तुम्हारी वजह से सुकून से सो भी नहीं पाई। आपको बताया भी है कि मेरा उस गुलियाबानी भूत से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर गुलियाबानी तो कुछ और कह रहा था। एतराफ़ कर लो, साफ साफ कह दो कि तुम्हारी नजर आपा की दौलत पर है। मामू जान, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। देख क्या रहे हो, तुम भी तो कुछ कहो ना कहानी। माफ कीजिएगा पाशा, लेकिन आपकी नजर भी मेरी वालिदा की विरासत पर है। बेटा पहले ये बताओ तुम मेरे साथ हो या इस लड़की के साथ, तुम्हारी जबान बहुत चलने लग गई है। सही कह रहा है, आप भी विरासत के पीछे है। तुम्हें आए दो दिन नहीं हुए और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, शैतान लड़की। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम अलग हो, तुम भी विरासत के पीछे ही आई हो। ऐसी कोई बात नहीं। बस कर दो, चुप हो जाओ, बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। विरासत 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 का विद लगा रखा है तुम लोगों ने, बस चुप हो जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो सब लोग, जब तक मैं न बुलाऊं कोई ना आए। चलो जाओ सब, चलो बाहर जाओ सब। जनाब करासो, खुशामदीद, बैठिए। बहुत शुक्रिया। जनाब करासो, आपको जनाब कसल वाले मसले की वजह से यहां बुलाया है। मैं जानता हूं वजीर आजम पाशा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हम में से कोई भी रियासत के मामलात में रुकावट डालना नहीं चाहता। जनाब कसल हमारे साथ एक अहम मामले पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको बस यही मशवरा देना चाहता हूँ कि आप काबिल एतमाद लोगों के साथ काम किया करें।
आप तो जानते हैं कि अर्नस्ट कसल बहरहाल एक मुजरिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। रूसी सफीर के पास ये करने का इख्तियार भी है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इस मामले से पीछे हट जाता हूं, क्योंकि मैं रियासत का वफादार हूं। इजाजत चाहता हूं, आप मुझे रियासती हुक्मनामा भिजवा दीजिएगा। सुल्तान मौसम, वक्त बहुत कम रह गया है, अब जनाब कसल दस्तखत नहीं कर पाएंगे और तमाम रकम उनकी दस्तरस में है। हमें बॉन्ड वाला मामला 2 दिन के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। हमें पहले ही बहुत रुसवाई का सामना हो चुका है, अगर इसे मुलतवी किया तो मजीद नुकसान होगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं कि तुबीनी नाम का शख्स कौन है पाशा? नाम तो जाने पहचाना है। माजी में इसने मुराद साहब और उनके अहद के कई लोगों को कर्ज की मद में भारी रकम दी थी। जानते हैं क्यों? ताकि जब मुराद साहब तख्त संभालें तो वो सब कुछ अपने हाथ में ले सके। सुल्तान अब्दुल अजीज के जमाने में उठने वाली बगावत में इसी तुबीनी का सरमाया शामिल था। अब इतने बरसों बाद जब हम एक इकदाम करने वाले थे तो इसने हमारी राह में रुकावट खड़ी कर दी। सुल्तान मौजूम, तुबीनी ने जिसको अपना वकील नामजद किया था, मैंने उससे बात की है। इमैनुएल क्रासो? जी सुल्तान मौजूम। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं और अगर वो इस काम से पीछे हट गए तो तुबीनी कोई दूसरा वकील तलाश कर लेगा। एक वक्त था जब जनाब क्रासो हमारे लिए मुखबरी करते थे। शायद वो अब भी रियासत के वफादार हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो पीछे हट सकते हैं। हमें हर सूरत जनाब कसल को सिफारतखाने से निकालना होगा, वरना हमारी मईशत को बहुत नुकसान होगा। हमें इसका कोई हल निकालना ही होगा। हमारे साथ आइए, मुशावरत से कोई हल तलाश करते हैं। सब मंसूबे के मुताबिक है। हमारा सामना सुल्तान अब्दुल हमीद खान से है। हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए जनाब क्रासो। वो मुझे यहाँ से निकालने के लिए हर तरह का रास्ता जरूर अख्तियार करेगा, मगर उसके हर रास्ते में रुकावट खड़ी कर देंगे हम। क्या आप मेरी किताब लेकर आए हैं? जिंदान में वक्त गुजारना आसान नहीं, इससे मेरे लिए आसानी होगी। अगर इंसान ज्यादा देर अकेला रहे तो सोच सोच कर खुद लिखने के काबिल बन जाता है। तो क्या आपको यकीन है? सुल्तान को मात देने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। खुशामदीद शहजादी। आपने कहा नतीजा सामने आ गया है, क्या नतीजा है बताइए। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था शहजादी, यह तहरीर बिदार सुल्तान की ही है। शहजादी,
शहजादी क्या आप ठीक हैं? शहजादी पानी पी लीजिए। आप इतनी अफसरदा क्यों हो गई? खुदा रहा मत पूछिए, कुछ मत पूछिए। हम जल्दी में जिंदान से निकल आए, अगर खबर अहम ना होती तो ऐसा ना करते। सिपाहियों रुको, वहीं रुक जाओ। वो जिसने रियासत के खिलाफ खड़े होने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया और कभी हिदायत हासिल न की, माहिर बैसम साहब। क्या हमें हैरानी होनी चाहिए कि इस बात के पीछे भी आपका हाथ था? बिल्कुल हैरत नहीं हुई। सिपाहियों ले जाओ इसे। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जो आपको आजादी का रास्ता दिखाऊंगी। अब हम साथ ही अपना सफर तय करेंगे। अब आपकी कैद की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब हम अपने मुल्क और आजादी के लिए सफे अव्वल में खड़े होंगे। हाँ, मगर अभी हमें कुछ देर यहाँ इंतजार करना होगा। ये आपने किया है ना? बाजी आप क्या कर रही हैं? ऐसा क्यों किया बताएं? खत आपने लिखा था, वो औरत आपकी वजह से जिंदान में है। बाजी ये खंजर नीचे करें। आखिर आप इतनी बुरी कैसे हो सकती हैं? हाँ, ये सब कब से चल रहा है? इतनी चालबाजी, इस कदर जुल्म, बेज़मीरी, गद्दारी। बाजी आप क्या कह रही हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ? आपको अल्लाह का भी खौफ नहीं रहा कि आप इतनी बेज़मीर हो चुकी हैं? मैं सिर्फ हम दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। खामोश, झूठ, मजीद झूठ मत बोलिए हमसे। आप शुरू से ही हमसे झूठ बोल रही हैं। आपने अपनी बीमारी का बहाना किया। आप यहाँ इलाज के लिए नहीं आई थी, शायद आपकी बीमारी भी झूठी थी। हमें इस्तेमाल किया। नहीं, आपने हमारी रहम दिली का और मोहब्बत का फायदा उठाया। नहीं, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए जिन्होंने हमारी खुशियां छीन ली। हम बस ये चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह नाखुश हो जाएं। आपको अपनी हर गलती की तलाफी करनी होगी। सब कुछ आपको ठीक करना होगा। उस औरत को जिंदान से निकलवाएं। तो क्या हम अपनी गलती मान लें? अगर आपने सब कुछ ठीक ना किया तो हम चाचा जान को बता देंगे।
जनाब कसल को हमें हर सूरत कैद से निकालना होगा। रूसी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि वो नहीं छोड़ेंगे पाशा, हम खुद जाकर उन्हें छुड़वाएंगे। आप में से एक का नाम हमने तहरीरों में पढ़ा है और दूसरा नाम हमने सड़कों पर होने वाले एहतजाज और मुखालिफ तहरीकों में सुना है। सलामत रहें। नजर रखो इस घर पे, चारों तरफ से घेर लो, अंदर यकीनन खास लोग होंगे। जो आपका हुक्म। अब आप उस रूसी जासूस को फौरन रिहा कर दें या फिर उसके फरार होने का कोई बंदोबस्त करें। जनाब कसल से इस बात का क्या ताल्लुक है? हमारे कहे पर अमल कीजिए, बाकी ताल्लुक हम खुद बना लेंगे। बदकिस्मती से उस जासूस को एक वबाई बीमारी है और इस वजह से आप समेत सिफारत खाने का पूरा अमला बीमारी की जद में है। सिमरा, आप हमें सच बता सकती हैं? आपको इस सब के लिए किसने मजबूर किया? हमें जाना होगा। क्या मतलब, कहाँ? अस्पताल, यहाँ एक वबाई बीमारी फैलने का खदशा है, हमें आपको बचाना होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता सालिया सुल्तान।